हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया और अच्छा होंगे। तो क्या इससे पहले हम कुछ बताए थे, क्या बताए थे कि बहुत कम समय बचा आपका एग्जाम में, जो सेमेस्टर वन का जेन्यू पेपर था किसका, केमिस्ट्री का, उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन के साथ साथ इससे पहले हमने टॉपिक काफ़ी टॉपिक बताए, काफ़ी टॉपिक, जितना भी सारा टॉपिक बताए और कोई काम का नहीं था। जो टॉपिक बताया वो सिर्फ सिलेबस में पढ़ना था, आपके नॉलेज के लिए था। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री को आपको दो भाग में बांट दिया गया जेन्यू केमिस्ट्री में। बीएससी सेमेस्टर वन के लिए जो जेनरिक केमिस्ट्री में बांटा गया और दो भागों में बांटा गया, पहला एक इनऑर्गेनिक में बांट दिया गया और दूसरा किसमें, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो टॉपिक पढ़ा है वो कोई दिक्कत नहीं, उससे पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे जानकारी हासिल भी करना क्या था बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसमें जो आगे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आज के टॉपिक में ही बनेगा, क्योंकि टॉपिक में बनने के साथ साथ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम 100% गारंटी का साथ बताते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आज के ही टॉपिक से पूछा जाएगा। उसमें जो टॉपिक पढ़ना है आपको सिलेबस में दिया होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या दिया होगा टॉपिक्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर से तीन टॉपिक पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, कार्बन रेडिकल, कार्बन कैटायन। दूसरा क्या पढ़ना है, कार्बन आयन। और तीसरा क्या पढ़ना है, फ्री रेडिकल। क्या पढ़ना है, पहला कार्बन कैटायन, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा क्या पढ़ना है, कार्बन फ्री रेडिकल। अब तीनों टॉपिक में से हम टॉपिक को लिख देते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कार्बन कैटायन। दूसरा क्या है, कार्बन आयन। और तीसरा क्या है, फ्री रेडिकल। क्या तीसरा, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल आने तीनों में से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है आप सब, इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हम पढ़ाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तीन ही टॉपिक है, तीन ही टॉपिक और क्वेश्चन इसी से आएगा। और यदि आप और ज़्यादा इसको क्या कर सकते, छोटा कर सकते, तो इससे पहले जो सेमेस्टर वन में पूछा गया था, इससे पिछले वाले सेशन में जो सेमेस्टर वन में क्वेश्चन पूछा गया था वो तीन ही टॉपिक में से ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो क्वेश्चन छोड़ करके जो क्वेश्चन बचता है, और दो क्वेश्चन आपके लिए भी इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन को देखें, और यदि आपको विश्वास नहीं होगा, मान लीजिए कि एग्जाम में आपको पूछा नहीं गया, पूछा गया होगा या नहीं गया होगा, लेकिन इस बार पूछेगा क्वेश्चन, इस बार तीनों में से ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। तो हम आपको पढ़ाने का स्टार्ट कहाँ से करें, कार्बो कटायन से। आने तीनों बता देते हैं डिफिनेशन के साथ साथ। हम आपको एक चीज़ और बताया था कि जो बीबीए सेमेस्टर वन के में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने का जो तरीका होता है वह क्या होता है कि आप सब सबसे पहले थ्योरी को कवर करें, क्योंकि यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पर क्या करना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज रखना होगा। तो केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर वन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आइए तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन आएगा। हम आपको क्वेश्चन हमेशा डिटेल में पढ़ाते आ रहे हैं और इस बार भी क्या करेंगे, आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो और समझो। अब इसको देखते हैं, किसको, कार्बोकैटायन को। हम बताएं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ इन्हीं तीन है, पहला कौन, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, दूसरा तीसरा फ्री रेडिकल। सबसे पहले हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, कार्बोकैटायन, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। पूछा कि द शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज दैट कैरी वन पॉजिटिव चार्ज कार्बन आइटम। यानी जिस किसी भी कार्बन आइटम पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कैरी करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। दूसरा लाइन में दिया गया किस पर, कार्बन आइटम पर। दूसरा लाइन में दिया है कि द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंटेनिंग ट्रीवायलेंट पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा और क्या रहेगा, ट्रीवायलेंट रहेगा। इस कॉल उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बो कैटायन से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बो कैटायन। तो कार्बन यहाँ पर दिया गया, कार्बन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, और ये तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रीवायलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रीवायलेंट पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बो कैटायन। सब क्या करेंगे, उसको बोलेंगे जो कार्बो कैटायन यहाँ पर लिखा गया है। अब यदि हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कार्बो कैटायन जो होता है वह बनता कैसे है, जाना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जानना जरूरी है। कि हम देखो एक चीज़ आपको और बताते हैं कि जिस तरह हम आपको लिखा रहे हैं, जिस तरह हम आपको लिखा रहे हैं, बस उसी तरह आपको वहाँ पर लिखना है, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। दूसरा बात करते हैं कि जो इसका फॉर्मेशन होता है, अब फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो कोई भी चीज़ बनता है तो उसका कुछ बनने का प्रक्रिया होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसका हम कार्बोकैटायन का जो बनने का प्रक्रिया होता है हम देखते हैं।
दिया गया कि द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म बाय द हेट्रोलाइटिक फिशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है और कैसे बनता है, हेट्रोलाइटिक फिशन के द्वारा। क्या हम हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक के बारे में बताए थे, बताया नहीं बताए? बिल्कुल बताए थे। होमोलाइटिक में क्या होता है कि जो दोनों आइटम्स रहेगा और दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हेट्रोलाइटिक में क्या रहेगा कि दोनों का दोनों सेम नहीं रहेगा, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहेगा। तो जो यहाँ पर कार्बन है और कार्बन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, बिल्कुल नहीं है। एक्स है तो एक्स क्या हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्य करता है। बट वेयर एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, यहाँ पर क्या लिए, सी लिए, एक्स के जगह पर हम क्या लिए, सी एल लिए, हो सकते हैं यहाँ पर बी आर भी ले सकते हैं। अब यदि हम इसका हेट्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या करेंगे, हेट्रोलाइसिस यदि हम इसका करवाते हैं, हेट्रोलाइसिस यदि हम इसका करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन अपने ओर खींच लेगा। किसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर खींच लेगा। अपने ओर खींचने के बाद कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स खींचा और क्या जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल इस तरह का हमने लिखाए थे, पहले लिखाए थे तो आध होगा, तो आध तो जरूर होगा क्योंकि जब हम हेट्रोलाइटिक पढ़ाए थे उस समय हम आपको बताए थे। अब हम इसका क्या देखेंगे, आगे देखेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसको यदि हम आगे देखते हैं तो क्या पहला क्या पढ़े, फॉर्मेशन पढ़े, उसके पहले क्या पढ़े, डिफ्रेंशन पढ़े थे। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट हैज ट्रिगोनल प्लेनर, क्या हो जाएगा, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अराइजिंग फ्रॉम द एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो अराइज होता है और किस हाइब्रिडाइजेशन से होता है, यानी एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन से होता है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो क्या ट्रिवेलेंट दिख रहा है, ट्रिवेलेंट के साथ क्या पॉजिटिव चार्ज है या क्या एक वैकेंट ऑर्बिटल है। यदि हम इसमें देखना चाहेंगे इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के क्या होने से क्या होता है, तो उसमें देखो कि यदि ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि लगा रहेगा किस पर, कार्बन पर, यदि कार्बन पर प्लस चार्ज रहेगा तो जो स्टेबिलिटी होगा वहाँ पर क्या ईडीजी, शायद आपको वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके ओर देगा किसके ओर, कार्बन की ओर, कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन देगा और इस पर पहले से क्या पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन विथ ई डब्ल्यू जी यानी इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप यदि रहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यदि रहेगा, किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, मैं इधर खींचने वाला ग्रुप आने क्या रहेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप रहेगा, तो क्या रहेगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो स्टेबिलिटी हो जाएगा क्या होगा, स्टेबिलिटी लेस कर जाएगा यानी डिक्रीज करेगा। फिर दूसरा नंबर में दिया पॉइंट में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जो जितना ग्रुप रहेगा वह क्या रहेगा, प्लस आई ग्रुप रहेगा। प्लस आई ग्रुप के साथ यदि प्लस चार्ज रहा, कार्बोकैटायन रहा, तो क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करेगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर इसी तरह ग्रुप लगा, यहाँ पर क्या एक अल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरा यहाँ पर दो लगा, तो स्टेबिलिटी क्या गया, बढ़ गया इसके कंपेयर में। यहाँ पर तीन लगा तो इसके कंपेयर में क्या गया, स्टेबिलिटी और बढ़ गया। यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। क्या समझ में आया, समझ में आया तो समय कम लेते हुए क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट कार्बन आयन पर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो फट से इसको जल्दी से उतारो। यदि हम आगे देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन आयन क्या हो जाएगा, कार्बन आयन पहला क्या पढ़ा है, कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल द शॉर्टेस्ट लिव हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज। बस डिफ्रेंशन कुछ नहीं है, पहला जैसा सेम है। उसमें क्या था, कैरी पॉजिटिव चार्ज करेगा और इसमें क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। पहले वाला में क्या था, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था और इस वाले में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बस कुछ नहीं है। किस पर, कार्बन आइटम पर। आगे दिया गया कि द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंटेनिंग ट्रीवायलेंट नेगेटिव चार्ज, और पहला वाला डिफ्रेंशन में क्या था कि द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंटेनिंग ट्रीवायलेंट क्या था, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की जगह क्या करना, नेगेटिव करना, क्या हो जाएगा, कार्बन आयन हो जाएगा, कार्बन आयन एटम विथ लॉन्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस पर जब ऑब्वियसली की है कि बात ये कि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर लॉन पेयर आएगा, लॉन पेयर आएगा नहीं आएगा, जरूर आएगा लॉन पेयर। तो यहाँ पर बस इतना सिर्फ अंतर कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बन आयन, वहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिख पा रहे हैं आप, जरूर देख लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन आयन।
उसके बाद इसका फॉर्मेशन हम देखेंगे। फॉर्मेशन में वहाँ पर क्या था कि द पहले वाला जब हम डिफिनेशन में देखना चाहेंगे तो पहले वाले में क्या था कि द कार्बन आयन इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, और इस वाले में भी क्या है कि द कार्बन आयन इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ सी एक्स बॉन्ड। यानी यहाँ पर जो फॉर्मेशन है फॉर्मेशन में भी क्या है, दोनों सेम है, दोनों सेम है नहीं है। इस पर भी हम यदि क्या करेंगे, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आने के बाद इस पर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, यानी लोन पेयर्स क्या होंगे इसमें इंक्रीज कर जाएंगे। इंक्रीज कर जाएंगे तो कितना कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या समझ पाए, समझ पाए तो हम फिलहाल बहुत कम समय लेते हुए आगे बढ़ाते क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ गया और हम पढ़ाए ही कम पा रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी समझ रहे होंगे। यदि इसमें अगला टॉपिक में देखेंगे क्या चीज़ है स्ट्रक्चर, यानी कार्बन आयन का जो स्ट्रक्चर होगा वह कैसे होगा। पूछा कि दिया गया कि द कार्बन आयन जनरली हैज ट्रिगोनल पैरामीडल ज्योमेट्री, और इसमें क्या था, ट्रिगोनल ज्योमेट्री था और इसमें क्या, ट्रिगोनल पैरामीडल ज्योमेट्री अराइजिंग फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ क्या करते हैं, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना, 1, 2, 3, एक यहाँ पर क्या लोन पेयर, क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, समझना ध्यान से। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज है किसके लिए, कार्बन आयन के लिए, और उसमें जो पहला पढ़े थे वह क्या था, कार्बन आयन कार्बन कैटायन था, उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता था क्या रहता था, स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज करता था। कार्बन आयन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना क्या हो जाएगा, डीस्टेबिलाइज हो जाएगा। कार्बो कैटायन में हम समझा रहे, कार्बो कैटायन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप था उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या करता था, खराब था यानी बेकार था। और इसमें कार्बन आयन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथ ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, समझना ध्यान से। फिर नंबर में दिया गया फर्स्ट नंबर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप यदि इसमें इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ सिलिक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज में जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज में जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप रहेगा स्टेबिलिटी उतना क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया, समझ में आया तो हम अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्या चीज़, फ्री रेडिकल। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, फ्री रेडिकल। अली फ्री रेडिकल में हमने पहला क्या पढ़ा कि कार्बन कैटायन पढ़े, दूसरा कार्बन आयन, तीसरा क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। इसके यदि डिफरेंशन जानना चाहेंगे तो क्या होगा कि द शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज विच कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वैसे शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज जो ओड नंबर को क्या करता है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटेनिंग करता है। द ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंटेनिंग ट्री वायलेंट न्यूट्रल कार्बन आइटम, यानी उस तीनों में क्या था, ट्री वायलेंट था, इसमें भी क्या है, ट्री वायलेंट है, उसमें भी क्या करेगा कि कार्बन आइटम रहेगा क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। फिर बेयरिंग नॉन बॉन्डिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें जो कुछ अलग है वह क्या अलग है कि वह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या है कि वह बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखा गया है, ट्री वैलेंट है, यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जरूर दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। यदि हम इसका फॉर्मेशन का बात करते तो फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन तीनों में तीनों सेम है, इसमें क्या थोड़ा अलग है। द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जनरली फॉर्म बाय द होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ सीसी बॉन्ड, उसमें क्या था, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, पहले वाले में भी था क्या था कि हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, इसमें क्या, होमोलाइसिस फ्यूजन ऑफ सीसी बॉन्ड। फ्री रेडिकल का निर्माण कर रहा है, फ्री रेडिकल कहने का मतलब कि मस्त मौला रहेगा, मस्त मौला कहने का मतलब ये होता है कि वह किसी से कोनो किसी से उसका लेना देना क्या रहेगा, नहीं रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल ही क्या करेंगे बोलेंगे हम। इसका अगला फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर को देखते हैं इसका, इसमें क्या दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो क्या, ट्री वायलेंट के साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर होगा। स्टेबिलिटी यदि हम देखेंगे तो क्या है कि फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट केमिकल स्पीसीज, फ्री रेडिकल एक है वह क्या, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट केमिकल स्पीसीज है, और जो कि लाइक कार्बो कैटायन जैसा है, कार्बो कैटायन में क्या था, सी प्लस था, कार्बन आयन में सी माइनस, कार्बन फ्री रेडिकल में सी डॉट, आने फ्री रेडिकल देर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा इन द वाटर। यदि हम इसका स्टेबिलिटी देखेंगे तो जो कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी था, समझना ध्यान से कि जो कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी था वह क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल का हो जाएगा। यदि आप चाहो तो यहाँ पर जो EWG लिखे थे और ये क्या था, एक EDG था,
उसको यहाँ पर आप शो कर सकते हो, किसका, कार्बोकेटाइन का, कार्बन आयन का शो नहीं करना, कार्बोकेटाइन का शो करना है। यदि आप शो कर सकते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी सेम टू सेम किसके जैसा है, कार्बन कार्बोकेटायन के जैसा सेम टू सेम है। इसके बाद हम और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी आएंगे, तो आप सब हमारे साथ बने रहे। और यदि हम इसे आपको और बता दें कि आप सब यदि हमारे इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहेंगे तो उसका यूजर आईडी वेलकम केमिस्ट्री के नाम से आप वहाँ पर जुड़े रहें।